बताया था एक चीज मुझे समझाई थी, बोला सुनील जी आप लोगों की तरक्की चाहते हैं, बोले यस गुरु जी, तो बोला गुरु जी आप, बोला सुनील जी आपको टाइम होना पड़ेगा, लोग तो बोलेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे लेकिन आपको लोगों पे ध्यान देंगे नहीं देना, तो वो चीज हमने रखा। लोग तो बहुत सारे रिजेक्शन करते हैं लेकिन जो अध्यक्ष में उसको नहीं छोड़ा हूँ, उसी में काम करता हूँ। हमारा मैसेज जो है नियम से जाएगा, बहुत सारे लोग गाली भी देते होंगे आगे पीछे, बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन भी मिला है, लेकिन जो हमारा नियम है जितने मैंने मैसेज जाना है वो उतना जाता ही जाता है। और इतना अनुभवी व्यक्ति ना होने की वजह से अगर मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ, और मैं एजुकेशन की बात करूं ओनली फॉर टेंथ क्लास हूँ, और टेंथ क्लास को ऐसा भी नहीं था एक ही बार में पास कर लिया हूं, पहले साल में पढ़ा था उसमें भी फेल हो गया था, दूसरे साल में फिर से प्रयास किया, फिर से ताकत लगाया तब मैं पास हो पाया हूं। तो आप हमारे एजुकेशन के बारे में जान रहे होंगे, उसके बाद में डिफेंस में भी गया था, उसमें भी दो तीन बार हो गया था हमारा, और डायरेक्ट सेलेक्ट में भी दो तीन बार हो चुका था, तब यहाँ पे आए स्टेटस मिली है, और बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हो रहे होंगे आगे पीछे तब यहाँ पे आए हैं, वो चीज हुई है। अनुभव नहीं होने की वजह से भी ये शख्स अगर यहाँ पे है तो एक ही कारण है कि मैं हर बात गुरु जी को फॉलो किया हूँ, हर बात जो अप्लाइंग की आई है, जो सीनियर की बात, हर बात को माना हूँ, और आगे भी यही रहेगा, जारी रहेगा। और यहाँ पे बैठा हुआ शख्स हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे आप लोग, और मैं अगर यहाँ पे लगभग मुझे 3 साल हो जाएंगे 5 अक्टूबर को, और 3 साल में अगर मैं यहाँ पे हो सकता अगर टोटल अचीवमेंट की बात करूं तो 60 से 70 लाख रुपए का अभी तक अचीवमेंट हो चुका हमारा। और मैं जॉब करता था साल के एवरेज में 5 लाख रुपए आता था, एक साल में 5 लाख रुपए कमाता था, और यहाँ पे आने के बाद 20 लाख रुपए के एवरेज से अभी तक आया 20 लाख। जब मुझे 4 साल कंप्लीट होंगे, 4 साल के बाद 1 करोड़ रुपए पर ईयर का मुझे एवरेज आएगा, और 5 साल कंप्लीट होते होते 2 से 3 करोड़ रुपए पर ईयर का एवरेज आएगा। मेरे यहाँ चैलेंज रखता हूँ, अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इलाहाबाद में जब काम करने आया था तो मैं बाहर से था, इटावा से था, मेरा यहाँ कोई जानने पहचानने वाला नहीं था, मेरा कोई लिस्ट नहीं था, मैं किसी को जानता नहीं था, ओनली फॉर लोगों को जब मैं चौराहे पे निकलता था किसी दुकानदार को प्लान दिखाता था तब तो लोग हमें मिले हैं, तब तो मैं आप लोगों तक पहुंचा हूं, और आप तो यहाँ के रहने वाले हैं और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, 10वीं से सब ज्यादा होंगे, है नहीं? ये सुनो, ये 10वीं से सब लोग ज्यादा है जी, तो हमसे ज्यादा तरक्की आपकी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो दोस्तों समय बहुत कम है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आने वाले समय में, बहुत कम समय में, जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं फेसबुक पे, क्या करती हो ऐसा मत किया करो, फेसबुक पे भी डाला था कि ऑडियो रिकॉर्ड 22 तारीख को आ जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होने की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन बहुत जल्द वो ऑडियो रिकॉर्ड भी आने वाली है रेड कलर में। और मैं कहूं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट वो होगा, वो हमारे पिताजी के लिए होगा, हमारी माता के लिए, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि क्योंकि साधारण मिडिल क्लास फैमिली में और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में किसान का बेटा
ओडीए कोर नहीं चला सकता, एक नौकरी करने वाला ओडीए कोर नहीं चला सकता। लेकिन अगर ऐसी पेश में काम करता है 3 से 4 साल तो संभव है नहीं है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग आए यहाँ पे, आप लोगों ने यहाँ पे बैठे रहे अभी तक है, और मैं चाहूंगा गुरुजी की लास्ट स्पीच रहेगी। जब तक गुरुजी की स्पीच हो नहीं जाती है कोई भी शख्स नहीं जाएगा।